पीएम मोदी का सिडनी शो, ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम ने कौन सा बड़ा दाव चल दिया? सिडनी में मुसलमान क्यों करने लगे मोदी मोदी? प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट को जोर शोर से मीडिया में दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कहा तो इस पर मोदी जी को मीडिया ने विश्व गुरु घोषित कर दिया। ऐसा माहौल बना कि मोदी जी की वतन वापसी पर उनकी पार्टी के नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत तक कर डाला। लेकिन पीएम के ऑस्ट्रेलिया विजिट से वापस आते ही ऑस्ट्रेलिया से भारत के नागरिकों के लिए एक बुरी खबर आ गई, तो पूरी की पूरी मीडिया इसे ऐसे छुपा गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, खबर आई है कि भारत के 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर बैन लगा दिया गया है। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और जम्मू कश्मीर। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने इन राज्यों के छात्रों को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके पीछे यूनिवर्सिटीज ने वजह बताई है कि लोग स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय वहां नौकरी करने लगते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। जैसे ही सोशल मीडिया में ये खबर फैली, लोगों ने इसे लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा, सिडनी में बॉस ने कुछ किया नहीं। वहीं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, जिस ऑस्ट्रेलिया ने पीएम मोदी को बॉस कहा था, भारत के 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और जम्मू कश्मीर के छात्रों को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। अब बताइए कौन बॉस है। वहीं सचिन नाम के यूजर ने लिखा, आप गलत खबर फैला रहे हैं, उन्होंने तो बॉस बताया था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक और यूजर ने लिखा, देश में भी जॉब नहीं देते और विदेश में भी बंद करवा दिया, सब पकौड़ा बेचो। वहीं जितेंद्र मोंगा नाम के यूजर ने कहा, विश्व गुरु के दौरे के बाद इस तरह का आदेश। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ये साहब क्या कराए ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कितने ही स्टूडेंट साहब के रंगारंग कार्यक्रम में आए होंगे, साहब के लौटते ही ऐसा झटका। मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया में मेगा शो और वहां के पीएम के मोदी को बॉस कहने के बाद इस तरह की खबर कईयों को हैरान कर गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।